और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन का। सितारगंज में कैलाश नदी में बाढ़ आने से वैकल्पिक पुल बह गया, जिसमें नदी के दोनों तरफ आने जाने का रास्ता बह गया। इस दौरान साइकिल सवार मजदूर ने नदी को पार करने का प्रयास किया, जिस वजह से मजदूर डूबने से बाल बाल बचा। आपको बता दें कि पर्वतीय क्षेत्र में हो रही बारिश से कैलाश नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी में बाढ़ आने के बाद वैकल्पिक पुल के ह्यूम पाइप बह गया, जिसे नदी के दूसरे तट पर बसे ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कत हो गई। प्रशासन ने नदी के दोनों तरफ रहने वाले ग्रामीणों को जलस्तर बढ़ने पर नदी में घुसने की मनाही की है। वहीं थराली पुलिस ने पॉक्सो के दो अलग अलग मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। पुलिस के मुताबिक पॉक्सो के पहले मामले में जहां हरिनगर लिटाल का रहने वाला एक युवक की एक नाबालिग युवती को भगाकर ऋषिकेश ले गया, जहां युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे मामले में राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय में एक अविवाहिता महिला द्वारा एक शिशु को जन्म देने का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस जांच में अविवाहिता का नाबालिग होना भी पाया गया। पुलिस जांच में बयानों के आधार पर पता चला कि ये सिलौड़ी गांव की एक युवक 9 महीने पहले नाबालिग को अपने गांव ले गया था, जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने से जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में कार्रवाई की गई है। इसमें एक मामला 20 तारीख को पंजीकृत हुआ था। उसमें एक नाबालिग लड़की के साथ घर से बहला फुसला के लेके ऋषिकेश में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। और 20 तारीख को इसमें हमें तहरीर मिली थी, तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें दीपक नाम का अभियुक्त बांधित था। रुड़की के बड़े ही राजपुताना की तालाब सड़कें बन गई हैं। पानी नहीं निकलने के कारण ग्रामीणों के घर में पानी घुस गया है। आरोप है कि जोहड़ पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसके कारण जल भराव होता है। जोहड़ को खाली कराने के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी संज्ञान नहीं लेता। कुछ साल पहले भी हाईवे को काटकर गांव वालों ने गांव से पानी निकाला था। बाढ़ चौकी से भी कोई भी अधिकारी यहां मौजूद नहीं है। जब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि चौकियों पर ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ चौकी पर अधिकारी मौजूद नहीं होते तो उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं मंगलौर नारसन से उल्हेड़ा रजवाहे की पटरी पर अज्ञात बदमाशों ने बीती रात युवक की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी, जब वो रजवाहे की पटरी से होता हुआ गांव की ओर जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के परिजनों की ओर से थाने में हत्यारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। परिजन पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस से हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग पर अड़ गए और नारसंग बॉर्डर पर हाईवे पर अपना विरोध जताया। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को बमुश्किल समझा बुझाकर अंतिम संस्कार करा दिया। ये दरअसल कल एक मर्डर हुआ था शाम के टाइम पे, करीब 8-9 बजे के आसपास। तो उसमें जो है आकाश लड़का है यहाँ का, तो उसके दोस्त और वो दोनों साथ गए थे मोटरसाइकिल से। फिर उसकी डेड बॉडी यहाँ मिली थी, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम कराया गया है। और कुछ लोग यहाँ जब पोस्टमार्टम के बाद आए तो उत्तराखंड में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है और देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी भारी गिरावट आई है और तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं इन दिनों पर्यटक सीजन भी चरम पर है और हजारों की संख्या में पर्यटक मसूरी घूमने आए हुए हैं, लेकिन बारिश के कारण पर्यटक होटल के कमरे में ही कैद होकर रह गए। वहीं कुछ पर्यटक बारिश के मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में मानसून पहुँच चुका है और 3 दिनों यानी 27 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उत्तराखंड के कई जिले में भारी बारिश हो रही है, जिस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। धर्मनगरी हरिद्वार में देर रात से हो रही बारिश की वजह से अधिकांश क्षेत्र जलमग्न हो गया। लोगों के घरों में भी बरसात का पानी घुस गया, जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार का यह नज़ारा गंगा घाट का नहीं है, बल्कि यह नज़ारा हरिद्वार के कनॉट प्लेस कहे जाने वाले रानीपुर मोड़ का है। जलभराव के कारण गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही हैं, जो प्रशासन के दावों की हवा निकाल रही है। आसपास की दुकानों सहित घरों में भी बरसात का पानी घुस गया है, जिस कारण लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। स्थानीय निवासियों का कहना है कि भारी बारिश होने से सड़कों पर नदी के जैसा पानी भर गया है, घरों में पानी घुस गया है, इससे काफ़ी लोग परेशान हैं। घुसा हुआ है गोमती के अंदर में, लोगों के घरों में पानी 2-2 फुट पानी अंदर गया हुआ है।
बुरा हाल है, लोग घर से बेघर हो रहे हैं इस वक्त। पानी शहर कॉलोनियों में घुसा हुआ है, बेहिसाब रहना मुश्किल हो गया है। जो नाली नाले थे उनको नालियां बना दी गई है, लोगों ने कब्जे कर लिए हैं कॉलोनी वालों ने। वहीं उत्तराखंड में मौसम के दस्तक देते ही तीर्थ नगरी ऋषिकेश सहित आसपास के हिस्से में सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में हो रही भारी बारिश के चलते त्रिवेणी घाट सड़क दरिया में तब्दील हो गई है। वहीं मॉनसून की पहली बारिश ने नगर पालिका ऋषिकेश के सिस्टम की पोल खोल दी है। दरअसल 27 जून को तीर्थ नगरी ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर होने वाली गंगा आरती में शामिल होने के लिए विदेशी डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं, जिसकी जिला प्रशासन सहित नगर पालिका ऋषिकेश तैयारियों में जुटा हुआ है। मगर सीजन की पहली बारिश ने सारी तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश सहित त्रिवेणी घाट सड़क पर दुकानदारों के लिए सीजन की पहली बारिश आफत का सबब बन के आई है। सड़कों का पानी दुकान के अंदर जाने से दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सैरकोट के युवक की दिल्ली में चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। युवक की हत्या से परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ गई। उधर ईशा की नमाज के बाद मृतक को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। दरअसल सैरकोट के मोहल्ला नईसराय निवासी नफीस कुरैसी अपने पूरे परिवार के साथ कई वर्षों से दिल्ली के बटला हाउस में रह रहे थे। नफीस की दो बेटियां हैं और एक बेटा था जिसकी हत्या कर दी गई। हत्या किसने की क्यों की वो अब हम आपको बताते हैं। दरअसल मृतक का नाम फैजल कुरैशी है। फैजल अपने मामा के बेटे के सलून में काम करता था। बताया जा रहा है कि फैजल बकरा ईद की खरीदारी के लिए शुक्रवार को बाजार गया था। इस दौरान बाजार में उसके कुछ युवकों से कहासुनी हो गई। इतने में ही उन युवकों ने फैजल पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें फैजल के शरीर से ज्यादा खून बहने के कारण उसी घटना स्थल पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद हत्यारों की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फैजल हत्याकांड में शामिल चार लड़के पुलिस की हिरासत में हैं और वो चारों लड़के फैजल के दोस्त बताए जा रहे हैं। वहीं बाराबंकी में लगने वाला मजीठा मेले में साइकिल स्टैंड के ठेके की नीलामी की गई और ठेके को लेकर सतरीक पुलिस और मेला कमेटी ने मिलकर एक बार फिर से सुनियोजित ढंग से अपने चहेते लोगों को साइकिल स्टैंड का ठेका दे दिया। साइकिल स्टैंड के ठेके की मात्र औपचारिकता निभाई गई। ठेका पहले से ही सुनियोजित ढंग से पुलिस और मेला कमेटी ने व्यक्ति विशेष को दे दिया, जिसको लेकर मेला कमेटी के कुछ लोग और स्थानीय लोगों में काफी रोष दिखाई पड़ रहा है। लोगों ने थाना प्रभारी पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए दोबारा ठेका कराने की मांग की। वहीं मुजफ्फरनगर में दिन निकलते ही एक बड़ा हादसा हो गया, जब देर रात हो रही बरसात के चलते एक गरीब का कच्चा आशियाना भरभराकर गिर गया, जिससे मलबे में एक परिवार के 5 लोग दब गए, जिनमें 2 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में मलबे से निकालकर ग्रामीणों द्वारा अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इस तरह की दुखद घटना हुई है, एक मकान गिरने से। आज सुबह लगभग 7:40 पर ये घटना घटी है और हम लोग 8 तक मैं CO साहब स्वयं पहुँच गए थे, वहाँ से घायलों को यहाँ भेजा गया। यह जानकारी देना चाह रहा हूँ कि 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, 2 बच्चे थे, एक इनका भांजा था। इद्रीस सन ऑफ नथू का मकान है और ऊपर में ये कच्चा मकान था। अलग अलग तारीख पर अपने खोए हुए कीमती मोबाइल फोन बरामद किए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक बहराइच के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा सर्विलांस सेल को गुम और खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदी की निर्देशित किया गया, जिसके बाद खोए हुए विभिन्न कंपनियों के कीमती मोबाइल फोन सकुशल बरामद किया गया। मिले फोन की कीमत करीब 25 लाख बताई जा रही। वहीं एटा में एक 23 साल के युवक का बंद कमरे में अचेत अवस्था में शव मिला। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।